हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम मुंबई के एक वन ऑफ द टॉप कॉलेज का रिव्यू देखने वाले हैं, दैट इज थडोमल सहानी इंजीनियरिंग कॉलेज। फ्रेंड्स, ये भी एक मुंबई में एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। चलो देखते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, यहाँ से डिग्री लेने के बाद कितने फ़ायदे में रहेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं थडोमल सहानी इंजीनियरिंग कॉलेज। फ्रेंड्स, थडोमल सहानी इंजीनियरिंग कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश इन 1983, मीन्स इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज। बहुत पुराना कॉलेज है दोस्तों। क्या होता है कि ये हर बार, मतलब हम पुराने कॉलेज की तरफ वाई शुड वी गो, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसमेंट एंड जो रिक्रूटर्स होते हैं इनका बहुत अच्छा रिलेशन होता है, इसलिए ये जो ओल्डेस्ट कॉलेज है ना यार, यहाँ से डिग्री लेना थोड़ा फ़ायदे में रहता है। थडोमल सहानी इंजीनियरिंग कॉलेज इज इस्टेब्लिश इन 1983। इट इज़ सिचुएटेड WPG खेर मार्ग, बांद्रा, वेस्ट मुंबई। तो यानी कि ये एरिया में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यार होम टाउन जैसा है, बहुत नज़दीक है उनके लिए। प्राइवेट नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है फ्रेंड्स, सिंधी माइनॉरिटी का कॉलेज है, यानी कि सिंधी माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशल कोटा होता है। फ्रेंड्स, टोटल जो 100 सीट्स अगर हम करेंगे, 100% सीट्स अगर हम कहेंगे, तो नियर अबाउट 70% सीट्स विल बी बाय सिंधी माइनॉरिटी, यानी कि 70% सीट्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व किए जाते हैं, एंड रिमेनिंग 30% सीट्स जो होंगे वो जनरल में से फिलअप किए जाएंगे। टोटल यहाँ पे इंटेक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटेक है, तो बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से भी यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ये एफिलेटेड है एंड AICTE से अप्रूव्ड है, यानी कि कॉलेज के बारे में यार कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। यहाँ पर देखिए टोटल 5 ब्रांचेस यहाँ पे है। स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस है, ENTC है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ये 5 ब्रांचेस स्पेशलाइजेशन है। इसमें सबसे ज़्यादा CS, हमें तो पता है यार हर एक का क्रेज होता है CS ब्रांच को मिलना। तो यहाँ पे टोटल फीस जो है पर ईयर 1.89 लाख, नियर अबाउट समझो 1,90,000 तक ये फीस चली जाती है पर ईयर। इनटेक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 460 इनटेक कैपेसिटी है। अगर हम देखेंगे 460 इनटेक कैपेसिटी, अगर उसका हम 30% भी निकालेंगे तो भी नियर अबाउट 125 के लगभग है ना, 160, तो 125 या 130 सीट्स जनरल के लिए होते हैं, बाकी के रिमेनिंग सीट जो होंगे वो माइनॉरिटी होंगे, सिंधी माइनॉरिटी के लिए। तो ये 5 ब्रांचेस है, सबसे ज़्यादा क्रेज जो है वो होता है CS ब्रांच के लिए, यानी कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस का भी ब्रांच है, वो भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है दोस्तों। कैंपस की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मुंबई में है तो नेचुरली यार कैंपस स्मॉल ही होगा, तो इसका ज़रा ज़्यादा स्मॉल है, ये मे बी इट इज़ वन ऑफ द कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज। तो वेरी स्मॉल प्रीमाइसेस है, 2 ही बिल्डिंग है अच्छे, बाकी ज़्यादा नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ अनफॉर्चुनेटली जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, नीदर फॉर बॉयज़ नॉर गर्ल्स। तो यार सिटी के अंदर है तो यू कैन इजीली गेट प्राइवेट रूम्स ऑन रेंट बेसिस, या फिर आप PG भी आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। हाइस्ट पैकेज अब तक यहाँ पे मिल चुका है 19 लाख पर ईयर, एंड एवरेज जो है 6.5 लाख पर एनम। फ्रेंड्स, अभी ये जो पैकेज है ना, ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। कॉलेज डजेंट मैटर, आप किस तरीके से स्किल्ड हो, आपका नॉलेज कैसा है, आप किस तरीके से इंटरव्यू फेस करते हैं, इसके ऊपर ये पैकेज होता है। कई कई आप देखेंगे कि इसी कॉलेज का पैकेज बहुत ज़्यादा भी बताया है ना, कि अगर कॉलेज दुनिया अगर हम देखेंगे वेबसाइट, तो वहाँ पे दिया है नियर अबाउट 1.2 करोड़, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने लास्ट ईयर 2022 में दिया था पैकेज। एवरेज पैकेज देखेंगे हम तो यहाँ पे नियर अबाउट 10 लाख भी बताया गया है। अब हर एक का अलग अलग व्यू होता है,
लेकिन इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ यू टैकल विद द कैंपस। चलो देखते हैं अभी कौन कौन से रिक्रूटर्स यहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सिस्को है, उसके बाद में कैपजेमिनी है, इन्फोसिस है, टॉप टॉप जितने भी रिक्रूटर्स है, मर्सिडीज बेंज है, गोदरेज, TCS, बार्कलेज है, IFB, टोयो, सीमेंस या फिर मॉर्गन स्टेनले, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या फिर जितने भी अच्छे अच्छे बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, सारे के सारे जितने भी बहुत सारे रिक्रूटर्स यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कुछ नाम बस आपको पता होने के लिए बताए गए हैं। उसके बाद में देखेंगे हम कि कितना परसेंटाइल लगेगा, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था, सो दैट वी कैन गेट इजीली एडमिशन टू दिस कॉलेज। तो फ्रेंड्स देखिए ये माइनॉरिटी का कॉलेज है, सिंधी माइनॉरिटी का, तो यहाँ पे 70% सीट्स रिजर्व फॉर माइनॉरिटी, सिंधी माइनॉरिटी के लिए। रिमेनिंग 30% जो सीट्स है, टोटल जितने भी सीट्स है मैट्रिक्स, उसमें से जनरल ओपन का लास्ट ईयर 2022 का कट ऑफ था 97.57 एंड लेडीज ओपन का कट ऑफ था 96.77। अभी यहाँ पे जितने भी अदर कैटेगरीज है वो सब जनरल में ही यहाँ पे कंसिडर होते, यानी कि माइनॉरिटी के कॉलेज में OBC, SC, ST, VJ ये कोई नहीं होता है, वहाँ पे बस दो ही होते, एक माइनॉरिटी का एंड दूसरा जनरल का। TFWS का कट ऑफ गया था 97.66 एंड माइनॉरिटी का कंप्यूटर साइंस ब्रांच का कट ऑफ था 89.95। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत बढ़िया कॉलेज है, इसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। अगर कुछ थोड़ी ड्रॉबैक्स अगर छोड़ते हैं हम, जैसे कि स्मॉल कैंपस है, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट अगर हमें हमारा टारगेट देखना है, क्योंकि यहाँ पे कैंपस भी बहुत अच्छा होता है। बाकी के लैब्स एंड लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, यहाँ की फैकल्टीज एक नंबर है दोस्तों, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो होप आपको थोडोमल इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल्स मिल चुका होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।